हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल और आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, एकदम मस्ती भरी। और आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ मेरी ब्यूटीशियन से, जो मुझे रेडी करती हैं, और आज वो बिल्कुल लाइव आप लोगों के सामने मेरे सारे राज खोलने वाली हैं। तो आज की वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, बहुत मज़ा आने वाला है और सभी बातें आप लोगों के सामने आज आने वाली है, मेरी ब्यूटी से रिलेटेड ब्यूटी सीक्रेट्स और भी बहुत कुछ मस्ती मज़ा। और साथ साथ आपको आज सीखने को मिलेगा कि आप मैनिक्योर कैसे कर सकते हैं, तो वो भी साथ साथ आप देखते रहेंगे। तो आज वीडियो बहुत अच्छी आपको लगने वाली है, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को इंजॉय कीजिए। और साथ साथ मैं आपको अपनी फ्रेंड से भी मिलाने वाली हूँ, जो ये ब्यूटीशियन है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत लंबे टाइम से फ्रेंड है। तो चलिए मिलते हैं हम उनसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा चौधरी। जैसे कि रीना आपको बता चुकी हैं, मैं हूँ रीना की फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ और मेरा खुद का, मैं इनकी ब्यूटीशियन भी हूँ। आपको एक सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ। और अब तक आपने जो उनका मेकअप देखा है, जो उनकी भाई की शादी में मेकअप हुआ था, हेयर स्टाइल हुए थे इनकी भाई की इंगेजमेंट में, और देवर या जितने फंक्शंस में जाती हैं, हमेशा मैं ही इनका मेकअप करती हूँ और हेयर स्टाइल भी करती हूँ। और वैसे तो ये बहुत खूबसूरत हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और बट इनकी सुंदरता में चार चांद लगाने का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। और इनका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, मगर मैं ज़बरदस्ती इनको कभी ना कभी पकड़ लेती हूँ। अभी भी ये टाइम नहीं है इनके पास, और मेरा खुद का सैलून भी है, बट ये है कि इनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है और इनसे मिलके मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए इनको, इनके लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ अपने बिजी शेड्यूल में से। तो अभी इनके पास आजकल पार्लर आने का टाइम नहीं था, तो मैं खुद ही आ गई कि चलो मैं आपका करती हूँ, आपसे मिलना भी हो जाएगा, बातें भी हो जाएंगी और थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा। तो आज मैं इनका मैनीक्योर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। अच्छा, आपको एक बात और बतानी है कि मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है प्रतिभा चौधरी के नाम से, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। उसमें मैं आगे वीडियोस डालूंगी मेकअप की और फेशियल वगैरह, जो भी कुछ ब्यूटी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ डालूंगी। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं मैनीक्योर करने के लिए इनकी नेल की नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। अब हम नेल फाइलिंग करेंगे। नेल पेंट मैंने रिमूव कर दिया है, ये क्लाइंट की पसंद के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, कोई जैसी शेप चाहता है उसके अकॉर्डिंग। आपको कैसे, स्ट्रेट में चाहिए या राउंड में? कैसे भी कर दो, स्ट्रेट कर दो, राउंड तो बहुत टाइम से, क्योंकि ये यही चल रहे हैं ना, ब्लंट वाले चले हुए हैं। गोंद की तरह चिपके हुए आपके साथ है ना भाई, चिपका के रखो फेशियल के लिए कब टाइम निकाल रहे हो? ये बातें भी हमारी आनी चाहिए ना, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनका फेशियल करेंगे, ठीक है? तो प्लीज आप इनको कहो जल्दी से कि मैम फेशियल करवा लो इनको, मैं वैसे ही बतेरी सुतरी लगती हूँ तो वो तो है ही है हमारी मैडम, बहुत सुंदर अच्छा ये भी सच्ची सच्ची बता दो, लास्ट फेशियल कब कराया था? लास्ट फेशियल सच्ची सच्ची बता दो, कब कराया था? आप याद दिलाओ, मैं तो भूल गई। कब? एक छः महीने, सात आठ आठ महीने, लॉकडाउन, आठ महीने से तो पहले लॉकडाउन था। लॉकडाउन से पहले तो कराया था, पहले लॉकडाउन से पहले, फेब में। हाँ हाँ,
हाँ चलो ये बता देती हूँ, काफी टाइम से उन्होंने फेशियल नहीं कराया एक है। साल हो गया भाई, एक साल हो गया, फैब में ही कराया था। की शादी थी 16 फरवरी की और फेशियल कराने आई थी मैं घर से, है ना, घर से आई थी ना, 12 फरवरी को फेशियल हुआ था लास्ट, और अब आ गया है मार्च, एक साल हो गया। देख लो, झूठ नहीं बोलती मैं यूट्यूब पे, नहीं झूठ नहीं बोलना, सच्ची बोलना है मैं। अब तारीफ क्यों जाएगा ना, थोड़ा सा हमारी भी तारीफ कर दो कि मैं मेरी सुंदरता बढ़ाने में इनका हाथ है, इतना तो मत बताओ। ये वाली बात लाइन हटा देना, ठीक है, ये लाइन तो हटा देना बिल्कुल भी। कौन सी? ये वाली कि मैंने एक साल हो गया फेशियल कराते हुए। सुन नहीं रहे, देखो आप समझो, आपके तो इतने सब्सक्राइबर है ही है, आपको तो लाइक मिलना ही मिलना, आप तो सुंदर हो ही हो, वो सब है ना। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा कैसे बढ़े, दूसरे का कल्याण करो। नहीं नहीं, मैं तो जो बात है सच बताऊंगी, झूठ कुछ नहीं बोलूंगी। सबसे पहले मैंने आपसे हेयर स्टाइल कराया था फैब 2018 में, मेरे देवर की शादी थी, सुबह सुबह आए थे आप, 9 बजे मेरे को रेडी होके जाना था। बात की मेरी वीडियो है एक, वो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे व्यूज है उस वीडियो के, 34 लाख है डांस के व्यूज, तेरी आंखें का काजल, मैंने उस गाने पे डांस किया था। उस दिन आपने मेरे को फर्स्ट टाइम हेयर स्टाइल किया था ना, 2-2.5 साल पहले, सुबह सुबह भात में जाना था, नीले कलर का मेरे को लहंगा पहना था, लहंगा पहना था नीले कलर का, तो वो डांस वाले चैनल पे मेरी वीडियो है, उसमें हेयर स्टाइल सबसे पहले किया था आपने मेरा, और पूरा दिन सेट रहा था मेरा हेयर स्टाइल उस दिन, हिला नहीं था। फर्स्ट टाइम की यही रिक्वायरमेंट थी कि बस हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं डांस बहुत करना है मुझे। उस दिन सुबह मैं 9 बजे रेडी हुई थी हेयर स्टाइल के साथ, और उसमें चोटी भी थी, जूड़ा भी था, और फ्रंट का भी हेयर स्टाइल फ्रंट का भी था, और साथ में एक्सेसरी थी, गजरा वजरा सब सारा मतलब पूरा था, और मेरे को था सिर पे चुन्नी लेनी है, और दिखना भी चाहिए और हेयर स्टाइल भी अच्छा हो। और सुबह 9 बजे रेडी हो गए, और रात के 11 बजे मैंने वो हेयर स्टाइल खोला था, और खोला भी क्या था, मैंने पीछे की चोटी और जूड़ा खोला था, अगले दिन वही फ्रंट का हेयर स्टाइल चलाया था मैंने, क्योंकि अच्छा? बारात में गई थी मैं, सीरियसली। हाँ? ये तो आपने आज शेयर किया, ये बात तो मुझे आज बताई है। पिछला जूड़ा खोल दिया था क्योंकि सोती कैसे मैं, और फ्रंट का रखा था क्योंकि अगले दिन भी सिर पे चुन्नी रखनी थी मैंने, और अगले दिन भी ऐसे ही जल्दी जाना था, साड़ी पहनी थी आई थिंक आपने, वो लहंगा कम साड़ी थी रेड और गोल्डन कलर की, तो मतलब इतना अच्छा हेयर स्टाइल था मेरा, और फिर मेरी यही रिक्वायरमेंट थी मेन, तो कि भाई हिलना नहीं चाहिए, ये तो मुझे हमेशा यही कहती है, मेरा जूड़ा हिलना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना खुले ना। और फिर मैं रेडी हुई भाई के एंगेजमेंट में, सारा हेयर स्टाइल वगैरह इन्होंने किया था, वो मैंने दिखा भी दिया था, और व्लॉग्स भी है उसका, तो आपने पहले भी इनको देखा ही होगा। फिर भाई की सगाई थी, उसमें मैंने घर पे बुलाया था इनको, सगाई की भी जो व्लॉग है उसमें भी आपने बैक में देखा होगा इनको, उस टाइम बातचीत तो ज़्यादा नहीं हो पाई थी इनसे। और फिर जो शादी वाला दिन था उस दिन का भी हेयर स्टाइल इन्हीं का था, सगाई पे तो मेकअप वगैरह सारा कुछ इन्हीं का था, घर पे ही आई थी इनका, उसमें काफी ग्लैमरस लुक लग रहा था। मैंने इनको कहा था कि आप बहुत ग्लैमरस लग रहे हो, फोटोज डली हुई ना आपकी यूट्यूब पे है, फोटोज डली हुई है। और उस दिन हमारा एक एक्सपेरिमेंट और था, फर्स्ट टाइम लेंस लगाए थे मैंने, हाँ लेंस और लैशेस भी थे आई थिंक, हर बार कुछ नए एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं। नहीं उस दिन हमारे 2 फंक्शन थे ना, एक बार सुबह भी तो करके गई थी आपको, अगले दिन भाई की शादी वाले दिन, वो एंगेजमेंट थी, शादी वाले दिन मैं सुबह आपका करके गई थी, जब तब आपके लैशेस लगाए थे मैंने, रिमाइंड करो, जब मैंने आपकी फोटो खींची हुई मेरी दोनों की, वो मेकअप तो मैंने आपका वहीं किया था एंगेजमेंट वाला, एंगेजमेंट का यहाँ किया था, फिर सगाई का किया था वहाँ, फिर शादी वाले दिन जिस दिन हम गाड़ी लेने आए थे उस दिन मैंने भी किया था यहाँ, हाँ जब मैंने सुबह आपको फिर मैंने वो लैशेस लगाए थे तब भी मैंने किया था, आप कहते हैं कि मत करवाओ, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, तो मेकअप तो आपको करवाना ही पड़ेगा, याद है उस दिन की तरह हल्का करूंगी, याद आ गया आपको? हाँ उस दिन भी शादी वाले दिन था मेकअप, यार शादी वाले दिन मेकअप भी था, हेयर स्टाइल भी था, आपने कहा था इतनी देर में कर देना, उस दिन मैंने आपकी लैशेस लगाई हुई थी, पता नहीं लेकिन अभी जो लास्ट में भात में गई थी उस दिन भी जब चुन्नी आपके पीछे टक है और डांस कर रहे थे काफी, हेयर स्टाइल यार ऊपर गाड़ी लेने आए थे मैंने, किया नहीं था मेकअप, वही मैं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ मैं भी, वो क्या था, वो भात का था, भात था बुआ के, अच्छा 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 अच्छा, वो भात था, शादी वाले सिर्फ हेयर स्टाइल था खाली सुबह सुबह। चलो काफी टाइम से ये ना जुड़ी रहती है मुझसे, मगर दूर और हाँ ये भी बात है, जितनी बार मैंने लाइफ में फेशियल कराया था, या तो मैंने अपनी शादी में कराया था, उसके बाद मैंने कभी फेशियल नहीं कराया, ये आपको बताया था ना मैंने, जब मैं यहाँ आई थी
कमर के होने के बाद मैं दिल्ली आई, करवा चौथ पे मैंने फर्स्ट टाइम फेशियल कराया, मतलब या तो ब्राइडल फेशियल हुआ था मेरा और या फिर 3 साल बाद फेशियल हुआ था, वो इनसे ही कराया था और उसके बाद बाहर से कभी नहीं कराया और मैं करने भी नहीं दूंगी इनको। हाँ लेकिन ये है कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, लंबे लंबे गैप हो जाते हैं, पर हाँ ये है कि चाहे कितने महीने में कराती हूँ कराती ही नहीं से हूँ, सच में मैंने कराया नहीं है बाहर से कभी भी। पूरी तगड़े वाली प्रोमोशन कर दी मैं। थैंक यू। और इनकी स्पेशल बात ये है कि भाई कहीं भी मेकअप कुछ भी कराना होगा तो ये घर पे आ जाएंगी, अगर आप कॉन्टेक्ट करके इनसे बात करोगे, आउट ऑफ स्टेशन भी आना पड़ेगा तो ये आ जाती हैं, बट हाँ वो चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा होते हैं बट रीजनेबल होते हैं, जो भी हैं आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। निकालो देखिए, मेरा नाखून ना तोड़ दियो बस, ये वो टूटा वाला है क्या? ना ना ये थर्ड वाला है। मैंने लॉकडाउन में बहुत काम किया, बहुत, मतलब आप सोच के देखो, 4-4 चैनल चलाने और पूरे घर का काम और एडिटिंग खुद करती हूँ और बच्चे भी पढ़ाए हैं ऑनलाइन। ये क्यूटिकल कटर है बट इनकी स्किन में क्यूटिकल्स नहीं हैं, तो हम देखते हैं हल्का फुल्का कुछ होगा तो निकालने की कोशिश करेंगे। कट जाता है स्किन, बहुत शार्प होता है नहीं? है नहीं वैसे कुछ नहीं, नहीं साफ है एकदम। फिर वीडियो के लिए कर देते तो स्क्रब करेंगे, ठीक है? क्या करोगे? ये बिछाओगे? दोनों को बिछाओगे ना ताकि आप कभी गंदा ना हो। मेरा डाउल मैंने अपने यूट्यूब पे दिखा रखा है, वो समझ जाएगी क्या डाउल भी इन्हीं का खराब हो रहा है। मैं लाई थी ना खरीद के, शॉपिंग पे दिखा देती हूँ ना मैं, इतना तो घर ध्यान नहीं देगा कोई भी। देने वाले दे भी देते हैं।
कोई नहीं, जब यूं ही बता दिया कि मेरी फ्रेंड है तो कुछ भी है, बस ठीक है। मिलने आई थी जबरदस्ती और हो गया ऐसा ही। अभी उस दिन चिंकी के पास से बोलने वैसे आई थी किसी काम से, तो मैंने कहा कब कराओगे, वो हाँ मैम टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, चलो अभी कर दो। चलो उसी टाइम वैक्स कर दी, 10:30 बज गए घर पे, शुक्र है बोल के आई थी, हस्बैंड भी थे घर पे। मसाज ही करा रही हूँ आपको ना, शौक चढ़ता है बहुत महीनों बाद, है ना, पहले बीच में मसाज का टाइम नहीं था मरने का भी। आप ये मत बोलो, मेरी आपके जैसी एक सब कुछ बच्चों का टाइमली खाना बनाना, तो ऐसे हमने बोला मैं पति टाइम नहीं होता एक्सरसाइज करने को, बड़ी पतली है, कहते क्यों, ये जो मोदी है ना उसके पास भी उतने ही घंटे जितने आपके पास हैं, उनका कहना बस ये। मुझे लाइन सब किसी की अच्छी नहीं लगती कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप ये देखो, कह रहे हो आप 9 बजे उठते हो, 9 बजे तक तो मेरे आधे से ज्यादा काम निपट जाते हैं, मतलब मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मेरे 8 बजे तक कपड़े धो चुकी होती हूँ, 4:30 बजे उठ के मैंने कपड़े धो लिए। मेरे को एक दिन 8 बजे सोनीपत जाना था, तो सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया, मैंने कपड़े भी धोए हैं प्रॉपर, नहा धो के रेडी भी हुई हूँ, ऐसा नहीं है मुँह उठा के चल दी, और बच्चे भी रेडी किए 8 बजे तक, और अगले दिन स्कूल भी जाना था, शाम तक वापस भी आए हैं, और सारा खाना पीना सब कुछ किया भी है। और वीडियो अगर मुझे कहीं जाना है ना, मैं उसके लिए 2 दिन से तैयारी शुरू कर देती हूँ कि परसों मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो उस दिन कौन सी वीडियो डालनी चाहिए, 2 दिन पहले से मैं वीडियो एडिट करके सेव कर लेती हूँ और अपलोड कर देती हूँ, जिस टाइम में मुझे अपलोड करने होती है उस टाइम सिर्फ पब्लिश करती हूँ मैं उसको। अब ये देख लो, और बताऊँ मैं, अब जैसे मेरे को डांस की वीडियोस बनानी है, हजारों नए नए गाने आती रहती हैं, और कई बार ऐसा होता था कि डांस बनाने की चलूँ तो ये सोचूँ कौन से पे करूँ, क्योंकि मैं पहले से तो कोई तैयारी करके रखती नहीं हूँ, कोई मैं डांस सीखती तो हूँ नहीं, कोई मैं कोरियोग्राफर नहीं हूँ कि भाई मैं स्टेप मैच करूँ, ये है वो है, मैं तो उनका सपोर्ट करती थी। अब हम क्रीम लगाएंगे, क्रीम से मसाज करेंगे, स्क्रब मैंने कर दिया है और क्रीम यूज़ कर रही हूँ। क्रीम में मैंने विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड किया हुआ है और ऑयल भी मिक्स किया हुआ है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल करनी, सीरियसली उसमें है बना रखा है, कपूर भी है इसमें, कैम्फर भी है, कई बार स्किन में एलर्जी हो जाती है तो इसके लिए, स्मेल आ रही होगी आपको, आ रही है ना, क्योंकि हम कुछ रेमेडीज तैयार करके रखते हैं, जैसे स्किन में रैशेज हो जाते हैं या कोई भी है, ऑयल लगा ऑयल मिक्स कर लेते हैं, जैसी नीड होती है स्किन की उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। चमक गया। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना कैसा रहा मेरा मैनिक्योर। ये भी कितने दिन में हुआ है, उसी टाइम हुआ था सारा, भी हुआ था उसी टाइम में।